हम सब लोग ये जरूर जानना चाहते हैं कि ईश्वर हमारे पूजा पाठ या हमारे कर्मों से खुश है। कई लोग तो भगवान के संकेत समझ जाते हैं, पर कई लोगों के साथ भगवान की कृपा होती है पर वो ये संकेत नहीं समझ पाते। ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे महसूस हो कि ईश्वर हमारे साथ है? मैं कई संकेत महसूस करती हूँ कि बाबा मेरे साथ है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे महसूस करती हूँ मैं। सबसे पहले संकेत है, ये सब लोग जानते हैं कि 3 से 6 बजे के करीब अगर नींद खुलती है तो ये समय बहुत शुभ समय है। अगर आपकी रोज़ रात को नींद खुलती है तो आप समय ज़रूर चेक करें। अगर वो समय 3 से 6 बजे के बीच का है तो आप उस समय ज़रूर उठें, चाहे थोड़े समय के लिए उठें, 10 मिनट के लिए उठें, उठकर बैठ जाएं और भगवान से प्रार्थना करें सच्चे मन से। आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी क्योंकि इस समय एक शांत वातावरण होता है, भीड़ भाड़ नहीं होती, ज़्यादातर लोग सोए हुए होते हैं और दैवी शक्तियाँ इस समय आपके आसपास होती हैं। अगर वो आपको उठा रही हैं तो वो आपसे मिलना चाहती हैं, आपसे बात करना चाहती हैं, तो आप उनसे ज़रूर बात करें। ये मौका बार बार नहीं मिलता। अगर आप नहा धोकर बैठ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं बैठ सकते तो वैसे ही बैठ जाएं, पर इस समय को आप बेकार मत जाने दें। और आपको ये संकेत भी महसूस होएगा कि ईश्वर कृपा आपके साथ है। आप पूजा सत्र में बैठेंगे तो आप एक शांत वातावरण महसूस करेंगे, भीनी भीनी खुशबू भी आपके आसपास होगी, आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, आप जबरदस्ती नहीं बैठेंगे, आप भगवान से बातें करेंगे, आपका मन खुश होगा। जरूरी नहीं कि हम हर वक्त पूजा करके ही भगवान को पा सकते हैं। हम भगवान के साथ बैठ के, भगवान से बातें करके, एक एज ए फादर, दोस्त, कुछ भी बात कर सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं। तो आपको भगवान के पास बैठना अच्छा लगता है, भगवान से बातें करना अच्छा लगता है, तो ये संकेत है कि ईश्वरीय कृपा आपके पास है। और एक ये भी संकेत है कि कई चीज़ें आप सिर्फ मन में ही सोचते हैं वो पूरी होने लग जाती हैं। आप कहते हैं कि अरे ये मैंने बात तो 2 दिन पहले सोची थी और आज ये बात मेरे सामने आ गई। मतलब कोई चीज़ आप खाने की इच्छा भी करते हैं 2-3 दिन पहले और अचानक ही वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। और आपकी ज़िंदगी में अनेक रुकावटें आती हैं पर आप चमत्कारी ढंग से बाहर निकल आते हैं। आपके घर का जो वातावरण है वो भी बहुत शांत रहता है, सब लोग आपस से प्रेम में रहते हैं। हाँ कभी कभी कुछ थोड़े मतभेद हो जाते हैं पर वो कभी कभी होते हैं। आप सब आपस में प्यार से, बच्चे भी आपका कहना मानते हैं, आप भी बड़ों का आदर करते हैं। अगर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में है तो जो आपके ऊपर देवी शक्ति की कृपा है उसकी वजह से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है। और जब आपके घर में लोग भी आते हैं ना तो वो खुद महसूस करते हैं कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है। वो आपके घर में आकर सोफा सेट जब दूसरे चीज़ों की प्रशंसा नहीं करेंगे, आपके घर आते ही कहेंगे कि आपके घर आकर मन खुश हो गया। वो कहेंगे ऐसा लगता है कि आपके घर पॉजिटिव एनर्जी है, वो भी महसूस करेंगे। और आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो सकारात्मक ऊर्जा के होंगे, नेगेटिव ऊर्जा के लोग आपसे दूर रहेंगे, उन्हें आपका साथ पसंद नहीं आएगा क्योंकि आप उनके साथ बैठ के कोई नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं करेंगे, आपकी बात हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की होगी और वो उन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि लोग ऐसा साथ चाहते हैं कि जो दूसरों की बुराई करे, निंदा करे, पर आप बुराई निंदा से बचेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर ही रहेगी। और आप एकांत पसंद करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, आप सोचेंगे कि किसी के साथ भी बैठूंगा कोई ना कोई बात मुंह से निकल जाएगी क्योंकि हम इंसान हैं देवता नहीं, और ऐसी बात निकल जाएगी तो मेरा इष्ट देव भी नाराज हो सकता है और मेरे कर्मों में भी ये लिखा जाएगा। तो आप एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और आपका मन जब भी आप खाली होंगे तो दिल करेगा कि कोई भजन सुन लें या कोई सत्संग सुन लें,
आपके मन ऐसी चीज़ों को करने का करेगा। आपसे जो ये जीव हैं, कुत्ते बिल्लियाँ, ये भी आपसे प्यार करेंगे। कई बार कुत्ते आपसे आकर लिपट जाएंगे, कई बार आप जा रहे होते हैं तो आपके पीछे पीछे भी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जीव जो है ये पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो अब कुछ मैं संकेत आपको बताती हूँ कि मैं कैसे महसूस करती हूँ कि बाबा मेरे पास है। एक तो देखो, मेरी नींद जरूर खुलती है 3 से 6 बजे के बीच में, और मैं जरूर उठती हूँ। चाहे 10 मिनट के लिए उठ जाऊँ, नहा नहीं सकती, पर 10 मिनट के लिए अपने बाबा का ध्यान करके, बाबा से बात करके, और फिर सो जाती हूँ। और एक मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। मुझे बाबा की बातें करना, बाबा के सत्संग सुनना, बाबा के पास जाकर भी बैठ जाती हूँ, बाबा से बातें करती हूँ एज ए फादर। और मैं लोगों के साथ ज़्यादा पसंद नहीं करती। मुझे पता है कि अगर कोई निंदा चुगली होएगी तो मेरे बाबा नाराज ना हो जाएं। बाबा की वजह से जो मेरे मन में खुशियाँ आई हुई हैं ना, वो ख़त्म ना हो जाएं, जो मेरे मेरे पास बाबा हैं। और जो भी मैं भोग बनाती हूँ ना, तो बाबा से पूछती हूँ, बाबा आज आप क्या खाओगे? तो मतलब बाबा की सेवा में लगी रहती हूँ। बाबा को चाय देना, बाबा को पानी देना, तो मन जो है ना इन कामों में लगा रहता है। और मेरे घर में जो भी लोग आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, वो खुश होते हैं आकर मेरे घर में। और मेरा मन सत्संग करने का बहुत करता है। मैं 10-15 दिन बाद बाबा का सत्संग जरूर करती हूँ। और जो भी लोग आते हैं उनको बड़े प्यार से भोजन खिलाती हूँ। तो ये कुछ, और मैं एक वो बताती हूँ कि जब मैं शिरडी जाती थी तो बाबा के द्वार का महिमा एक बिल्ली थी, वो जिसकी गोद में आकर बैठ जाए ना, तो वो लोग बहुत खुश होते थे। मेरी गोद में वो हमेशा बैठती, आधा घंटा जरूर बैठती, तो मैं बहुत खुश होती कि वो महसूस कर रही है कि बाबा की एनर्जी मेरे आसपास है। और भगवान की दया से घर का, मेरे घर का माहौल अच्छा है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करने वाले हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे लगता है कि बाबा मेरे घर में हैं, क्योंकि बाबा की वजह से ही घर में खुशियाँ, शांति, जो ये मन अच्छा है, ये सब बाबा की वजह से है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ओम साई राम जरूर लिखना।